बताओ जी कहाँ पहुँचे? यूनेस्को हेरिटेज साइट। कौन सा? यूनेस्को हेरिटेज साइट। यूनेस्को हेरिटेज साइट मत, मुझे नहीं आता बोलना सर। सो अभी ना हम इधर बुरजामा आए हैं कासिमोर में। यहाँ जो बुरजामा का ये एरिया है ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। थोड़ा सा और एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमारे कासिम साहब देंगे यहाँ पर। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, लगभग कितने हज़ार साल पुराना है और इसमें एक्सकेवेटेड किया गया है। बाकी इन्फॉर्मेशन हम आपको आगे दिखाएंगे। सो ये है आर्कियोलॉजिकल साइट जहाँ पर वेरी रिसेंटली कोई एक्सकेवेशन हुई थी। कासिम कहाँ एक्सकेवेशन साइट बताओ? ये एक्सकेवेशन साइट तीन साइट से। हाँ हाँ अंदर तो नहीं जा सकते हैं। हाँ हाँ ये है पिट नंबर वन टू और वहाँ पर है पिट नंबर टू और वो और वहाँ पर है पिट नंबर थ्री। ये इन्होंने इसमें जो बोर्ड पे लिखा है इस पे बताया गया है कि इसमें हंटिंग का वो इलस्ट्रेशंस भी दिखाई है उन्हें। इनका रहन सहन कैसा था। तीन इन्होंने रीजन्स बताया, ये एराज बताए पीरियड जिसमें। ये वाली जो एक्सकेवेशन साइट है इसके चार पीरियड्स आते हैं। एक तो नियोलिथिक वन, नियोलिथिक टू और एक आता है मेगालिथिक पीरियड और चौथा है अर्ली हिस्टोरिकल पीरियड। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और देते आपको, पहले थोड़ा सा सराउंडिंग्स का आपको व्यू दे देते हैं। दो है, दो पिट्स हैं इसके। कितने है? बोर्ड पे लिखा है 2.75 मीटर्स का ये, 4.75 का ऊपर वाला। तो अब जो चार यहाँ पर एराज ने बताए थे, नियोलिथिक वन, नियोलिथिक टू, उसमें क्या था? उसमें उनके बर्तन उनके कैसे थे, उनका ड्वेलिंग ग्रहण सहन उनका जो स्ट्रक्चर है कैसा था। फिर नियोलिथिक टू आया, उनमें ज़्यादा चेंज नहीं है, बस वो स्फेरिकल शेप्स ओवल शेप्स का उनने इसमें इस्तेमाल किया। सीटिंग उनकी अलग थी, अलग थी उनमें। सिरामिक्स यूज़ किए उन्होंने। उसके बाद था मेगालिथिक एरा, तो उसमें उनने क्या किया, कुछ अपने वो जो ड्वेलिंग्स थी तो उनमें थोड़ा बहुत वो फाइन ट्यूनिंग आया था। हाँ। चेंज आया, साथ ही साथ उनने वो व्हील्स बनाने शुरू कर दिए और दे जो स्ट्रक्चर्स है स्टोन्स इरेक्शंस वगैरह जो थी। हाँ। वो वाले स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल किया। ग्रेव सिस्टम भी किया, दफनाना ग्रेव सिस्टम, वहाँ पर बहुत सारी ग्रेव्स मिली थी। हाँ। वो हुआ था, स्टोन्स भी लगाते थे वो ग्रेव्स पे, स्टोन्स। और फिर उसके बाद आता है चौथा वाला, ये अर्ली हिस्टोरिकल पीरियड वो क्रिश्चियन एरा था। तो स्टार्ट था क्रिश्चियन एरा का, तो उसमें भी लाइक नॉट मेजर चेंज, मगर तीन यही है एरर्स जो यहाँ रिकॉर्डेड है। सो अभी आपने जो एक्सकेवेशन साइट थी उसका थोड़ा सा हमने व्यू दिखा दिया आपको। अभी जो दूसरी साइट यहाँ पर है उसकी एक्सकेवेशन नहीं हुई है, यही मेजर एक्सकेवेशन है। बट एक और साइट है वहाँ पर पीछे, एक है वहाँ पर स्टोन्स है, टूम्स कुछ लगे से हैं, स्टोन्स कुछ लगे हुए हैं, रॉक्स लगे हुए हैं बड़े से, स्टोन एंज एरिया जैसा है वो, तो नॉट कंफर्मड मगर यही कंफर्मड रिकॉर्ड है। तो फिर भी कुछ शॉट्स आपको वहाँ के भी दिखा देते हैं। सो अभी ना कासिम मेरे शॉट्स ले रहा है, बहुत ही मज़ा आ गया यहाँ पर। अब व्यू पीछे देख सकते हैं कैसा है, ये कासिम है शूट कर रहा है। ये है मेगालिथिक एरा का साइट, बट यहाँ पर भी अभी आई बिलीव अथॉरिटीज़ को कुछ शायद मिला नहीं है। यहाँ पर कासिम कुछ बता दो, जहाँ मुझे लग रहा है अटेम्प्टेड एक्सकेवेशन ही है, फेल्ड एक्सकेवेशन है, इधर कुछ खास दिख नहीं रहा। हाँ स्टोन्स मुझे कुछ लग रहा है वहाँ पर, वो बीच में भी कुछ अन्य लगा के रखे हुए हैं, आई डोंट नो ये है क्या, बट मुझे लगता है ये मोनोलिथिक और अर्ली पीरियड का स्टेज है। हाँ इन्होंने स्टोन्स जहाँ इन्होंने बोला ये ग्रेवयार्ड सिस्टम फॉलो करते थे, स्टोन्स लगा देते
इट इज एक्सपेक्टेड ये वैसा ही है जी, जिस तरह स्टोन से मुझे तो लग रहा है कई सालों के ऐसे ही हैं, जैसे ये 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 ये, ये इसकी डिमार्केशन बता रहा है मेगालिथिक एरिया, ये पीरियड और अर्ली पीरियड अर्ली हिस्ट्री की के टाइम हो रहा है 4:30 का। आज यहाँ पर हमने एक अच्छा दिन बिताया कासिम और मैंने बुरजामा साइट में। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना और भाई की चैनल को सब्सक्राइब कर दो ब्लैक बैंडिट के नाम से। हाँ, और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में कासिम के साथ इंशाल्लाह। बाय।